ओडिशा के पुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। संबित पात्रा के सामने चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहनती ने अपना नाम वापस ले लिया है। सुचारिता मोहनती का आरोप है कि पार्टी के पास पर्याप्त फंड ही नहीं है कि वे ठीक तरह से प्रचार कर सकें, चुनाव लड़ सकें। कांग्रेस के लिए ये चुनावी मौसम में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केसी वेणुगोपाल को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस प्रत्याशी ने जोर देकर कहा है कि पार्टी द्वारा उन्हें आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं दी जा रही है, बिना उस मदद के उनके लिए चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है, इसी वजह से वे अपना नाम वापस ले रही हैं। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जो हारने के बावजूद भी पिछले 5 सालों से जमीन पर काफी सक्रिय हैं। उनकी तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि सुचारिता साल 2014 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। इस बार जब उन्हें पुरी से टिकट मिला, वे खासा उत्साहित थीं, जीत के दावे भी कर रही थीं, लेकिन क्योंकि उन्हें समय रहते फंड्स नहीं मिले, उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। यहां तक कहा गया कि उनकी तरफ से कांग्रेस का दरवाजा कई बार खटखटाया गया, कई बार मदद मांगी गई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वैसे इससे पहले इंदौर में भी कांग्रेस के साथ बड़ा खेल हो चुका है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बाम ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिस वजह से बीजेपी के लिए आसान वॉक ओवर की स्थिति बन गई। इसी तरह सूरत में भी कांग्रेस प्रत्याशी का गलत हस्ताक्षर की वजह से नामांकन ही रद्द हो गया और फिर दूसरे निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नाम वापस ले लिया। उस वजह से बीजेपी उम्मीदवार पहले ही जीत गए।